Hello everyone. This is Shadid, and this is a Mathematics NCERT Base Books Class Six Exercise nowing on Number Chapter One and Exercise One Point Two Question Number Three. In an election, the successful candidate registers five lakh seventy-seven thousand five hundred votes, and he is nearest. And rival secured three lakh forty-eight thousand seven hundred votes by what margin? डि द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन सो उसमें हमसे बोला गया है कि फर्स्ट कैंडिडेट जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसके पास फाइव लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड वॉट हैं और जो रिवल है जो पास वाला है उसके पास है थ्री लैख फोर्टी एट थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड वॉट्स ओके तो इन दोनों में जो मर्जन है कि कितना कौन सा वाला ज़्यादा आ गए है जो विन कर सकता है जो फर्स्ट आ सकता है वो कौन सा वाला है तो ये तो विन करने के लिए पहले हमें इनको समझने के लिए नोटबुक में राइट करना होगा आर एंड डिजिट का ऐसे लिखने होंगे तक सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड उनके डिजिट एंड नियर हमें करना है जीरो में से ज़ीरो गया जीरो जीरो में से जीरो गया जीरो फिफ्टीन में से सेवन गया तो एट ओके अब हमारे पास आगे वाली डिजिट क्या है सेवन तो ये हमने कैरी ले लेते तो सिक्स हो गया है आगे वाले डिजिट में भी तो सिक्स में से एट नहीं जा सकता तो उसको भी हम कैरी लेके कर सिक्सटीन कर लेते हैं और सिक्सटीन में से एट माइनस करेंगे तो एट आ जाएगा आंसर सो so, हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे भी एट हम अब यहाँ जो हमारे पास सेवन था ये भी सिक्स है तो सिक्स में से फोर गया टू एंड फाइव में से थ्री गया टू सिंपल आंसर है अब इसको हम यहाँ पर क्लाइंट लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट ट्वीन वाली जो मैंने आपको बताया है उसमें लिख कर इजिकल टू लगा के आंसर लिख देंगे मैंने अभी नोटबुक में लिखा हुआ नहीं है मैं अभी आपको लिख कर बता रही हूँ आप ऐसे लिख लीजिएगा ये मैंने पहले फेयर वर्क आपको करके बताया है आप डायरेक्टली भी इनको लिख सकते हैं नहीं तो अभी आप छोटी क्लास में हैं सिक्स क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं आप छोटे बच्चों को मना नहीं करती हैं टीचर्स भी बिकॉज़ वो छोटे होते हैं उनको समझ नहीं आता इतना ज़्यादा तो ये इसलिए ऐसा करते हैं तो यहाँ पे बुक में ही दिया गया है आपके क्वेश्चन में सक्सेसफुल कैंडिडेट विन उसको यहाँ पे आप उतार लीजिए और इसको आंसर को ऐसे इजीली लिख दीजिए ओके आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया हो आप समझ गए हो अच्छे से डैश I mean, बस यही है ये आपका आंसर आ चुका है आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय बाय एंड टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में